दोस्तों, आज मैं इंडियन गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके बारे में बात करने जा रही हूँ, जहाँ पे एसटी, ओबीसी, एससी, जनरल, इनकी रिजर्वेशन कोटा होता है ना। पहले आप ये वाले जो मैंने स्क्रीन पे दिया ना, ये वाला देख लीजिए। यहाँ पे एसटी की कितने परसेंटेज है, एससी की कितने परसेंटेज है, ओबीसी की कितनी है, ये वाला आप देख लीजिए। और ये भी जान लीजिए कि हमारे जो इंडिया है, भारतवर्ष है, इसमें 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं है। यानी कि बाकी 50% जो है उसमें से कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होता, उसमें से जो लायक है, जो काबिल है, उनको लिया जाता है। बाकी जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 50% में एप्लीकेबल है। EWS जो इकोनॉमिकली वीक है, जनरल के बच्चे, उनके लिए 10% रिजर्वेशन प्रक्रिया जो है 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने ये वाला चालू किया है। और आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा, एसटी एससी ओबीसी के बच्चे, इतने मार्क्स में इनका हो गया है, हो रहा है। जी, मैं ये भी मानती हूँ जी, उनकी बहुत ऐसे हैं जो जनरल के बच्चों की तुलना में कम परसेंटेज में भी हो जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या सभी जनरल वाले इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं? जी बिल्कुल नहीं, सभी जनरल वाले इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हैं। और जो स्ट्रांग नहीं है उनके लिए EWS रिजर्वेशन है हमारे देश में। सभी जनरल वालों के पास रिसोर्सेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो यार, एसटी ओबीसी एससी, इनके पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्यों पड़े हुए हो? अपनी नाकामयाबी ढकने के लिए? EWS के बारे में क्यों नहीं बात करते? जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हमेशा से ही टॉप आ रहा हो, हमेशा से ही टॉप रहा हो, उनके दिमाग में ये कभी रिजर्वेशन वाली बात नहीं आती, क्योंकि वो इतने काबिल है कि वो सबको बीट कर सकते हैं, सबको सबको पीछे पछाड़ के आगे निकल सकते हैं। उनके दिमाग में कभी ये ऐसी दिमागी उपज नहीं आती। जिनके दिमाग में भूसा है ना, वो रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। अब रिजर्वेशन के बारे में कौन किस कैटेगरी की लोग बात करते हैं पता है? मैं बता दूं, जो फेल, नालायक, जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी जो नालायकी है उसको छुपाने के लिए रिजर्वेशन का सहारा लेते हैं, रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। और जो जिनको कुछ नहीं पता, मूर्ख, वो रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। और रिजर्वेशन के बारे में कौन बात करते हैं पता है? समाज की ठेकेदार, ये लोग रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। और जो इंसान अपनी जिंदगी में, उसको पता है उससे कुछ नहीं होने वाला, वो आगे नहीं बढ़ सकता, अब किसके ऊपर दोष दे, किसको बोले इसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसको एक सिंपल सा मुद्दा मिल गया, रिजर्वेशन। ऐसे इंसान को ना सिर्फ एक जरिया चाहिए अपनी नालायकी को ढकने के लिए, एक ब्लेम करके बस बच जाए वो सारे जो उसकी कमजोरी है, उससे वो छुटकारा मिल, उसे छुटकारा मिल जाए, बस उसको वो चाहिए। ऐसे इंसान की ना घर में अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने जो सगे रिश्तेदार है उनके सामने अपने चेहरा बचाने के लिए ना बस एक ही जरिया है, रिजर्वेशन की बात करो। समाज में सर उठा के जीने का एक नायाब बहाना होते हैं ऐसे लोगों को, जो बहाना रिजर्वेशन बनता है। EWS की जो सर्टिफिकेट है वो कैसे मिलता है, क्या करे तो उसकी सर्टिफिकेट मिलेगा, कौन सी क्राइटेरिया है जिनको फॉलो करना पड़ेगा, इसको प्रचार करो यार, इस मुद्दे पे बात करो। अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है तो EWS रिजर्वेशन है, उस बारे में बात करो। EWS की जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, ऐसे मुद्दों को हाईलाइट करो, इस बारे में बात करो। अब मेरी भी एक सवाल है भाई, मेरी ये सवाल है, EWS की उपभोक्ता कौन है? बातों बातों में रिजर्वेशन बंद करो, ये करो वो करो, ये ना आप नहीं, आपकी मानसिकता दर्शाती है। क्यों? लोगों को लड़वाने में मजा आता है। हाँ, मजा आता है। ये सब बातें है ना, आपके जो निम्न मानसिकता है उसको दर्शाता है, आपकी जो हिंसा है दूसरे जातियों के प्रति वो दर्शाता है। 50% का ही सीटें जो है वो रिजर्वेशन में यूज कर सकते हैं, बाकी 50% सभी का है ना। उसमें से 10% EWS का है, और जो 50 में से भी आप मान लो एसटी का कितना है, एससी का कितना है, ओबीसी का कितना है, देखो काउंट करो। तो बाकी का जो 50% है वो हो गया जनरल का। तो अब EWS का ले लो
और 10%, तो कितना हो गया 60%। तो ये 60% तो ऑलरेडी है ना। अब आपको जो बाकी 40% है वो भी चाहिए क्या? मतलब 100 की 100 चाहिए सीटें, यही ना? ये रिजर्वेशन हटाओ, ये हटाओ, वो करो, ये करो, इनका सभी का मतलब मुद्दा ये है कि 100 की 100% सीटें आपको चाहिए। तुमको एसटी, ओबीसी और एससी के बच्चों के साथ ही क्यों कंपटीशन में जाना है? एक ब्राह्मण के बच्चे हो तो यार, ब्राह्मण हो, मंत्र उच्चारण के जरिए आप ब्राह्मण बनते हो। वर्ण प्रथा जानते हो ना, 4 वर्ण होता है, उसमें से ब्राह्मण सबसे सबसे बड़ा जाति माना जाता है जिसको। आप जब मंत्र उच्चारण के जरिए, शुद्धता के जरिए पूजा अर्चना करते हो, तभी आप सच्चे ब्राह्मण कहलाते हो ना। अब एक क्षत्रिय को ब्राह्मण बनने के लिए ना बहुत शिद्दत की जरूरत होती है, बहुत शिद्दत की जरूरत होती है। एक ब्राह्मण में जो जो गुण होते हैं उसको एडॉप्ट करने के लिए एक क्षत्रिय को भी बहुत साधना करनी पड़ती है। तो आप ही सोचो, आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? क्यों लड़ना यार एससी एसटी ओबीसी से, क्यों लड़ना? 4 वर्ण की नीति और उनका शासन, उनके ऊपर जो 4 वर्ण के सबसे ऊपर में रहते थे वो निचले स्तर पे शासन करते थे। अब मुझे ये बताओ, शासन कौन करते थे? उठते बैठते जो मंत्र जाप करते थे वो शासन करते थे, वो शासन करते थे ना पूर्वज, हाँ वो शासन करते थे। तभी तभी ये रिजर्वेशन सिस्टम आया है। कर्मयोगी बनो यारो, कर्मयोगी बनो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी अपनी कोई ना कोई नई टॉपिक को लेके। तो तब तक के लिए मुझे कीजिए विदा, बाय बाय। नरगनि बुकुं खुंजुते ततरानी बेमारबाई टेक्तो मानजकदा हनके लेरिया कारै दाति दाति फाये नायजक फायबायदि नरगनि आमसैनि महना मेडिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टारो अरव तंगो बुकुं खुंजुते ततरानी आमजकनाय गोरोंकुक स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश त्रिपुरा बखरक्सा एमएस ईएनटी स्पेशलिस्ट चिन अरव मरगनि मेसिन बाय आमजकि नायजागु आबनो कारिबो आमजकि नायजागु बुकुं खुंजुते ततरानी दाल बिदाल बेमानी जुंजाल रक बुकुंते हामा हरि माया अंगमानी खुंजुदो रक मानी थायरयड ततरा फुलिउई रबन मानी मेट्रिक कैंसर रंजाक बेमार रग्न बेलाय कहाम के साखथारै आमजोगी नायफायो ककतिसाल ब्रुम ब्रुम न खुवाई महाना मेडिक्लिनिक।